हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बाइहाटासा रियली। तो आज हम लोग जा रहे हैं मदन कामदेव टेम्पल। मदन कामदेव टेम्पल जाने के लिए आपको पहले आना पड़ेगा बाइहाटासा रियली, उसके बाद जाना पड़ेगा आपको मॉले के रोड। ऑलरेडी हम लोग पहुंच चुके हैं जिस तरफ से मदन कामदेव जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, तो यहाँ से अराउंड अभी हम लोग को लगभग 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा मंदिर के लिए। तो चलिए चलते हैं मंदिर को। अभी मैं जा रहा हूँ मदन कामदेव टेम्पल, रास्ते में हूँ, बाइक चला रहा हूँ। देखिए कैसा लग रहा है नज़ारा। मेरे दोनों तरफ है हरियाली, खेत और पहाड़, तो हमको चढ़ना पड़ेगा पहाड़ के ऊपर। तभी इस तरफ से हम लोग जाएंगे अंदर को मदन कामदेव टेम्पल के लिए। तो चलिए गेट के अंदर से जाते हैं। वाकई नज़ारा बहुत सुंदर है। अभी पहुंच गए एक पार्क। पता नहीं ऊपर ये क्या है, शायद क्वार्टर हो सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए हम लोग के बगल में ही वो पहाड़ है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ के जाते हैं, क्या देखते हैं। अभी ये छोटा छोटा दुकान है, तो ये दादी जी है और उनका पोती भी है। तो यहाँ से कुछ मैंने ये अगरबत्ती और दिया ले लिया है, थोड़ा फूल पत्ती। तो चलिए दिखाते हैं। तो ये देखिए बुद्धा का मूर्ति है, तो हनुमान जी जैसा दिख रहा है थोड़ा, ठीक है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो उस तरफ से जाना पड़ेगा। और यहाँ पे बगल पे है बहुत ही ऊंचा सा पेड़, जैसे कि आप देख ही सकते हो, ज़्यादातर सेगुन का पेड़ है यहाँ पे। यहाँ पे चेरी भी बहुत सारा चरना पड़ेगा अभी। तो देख सकते हैं तो कितना सीढ़ी चरना पड़ेगा, पता नहीं आप लोगों को बोलेंगे। वो देखिए कितना आगे जाना पड़ेगा, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, पूरा पहाड़ का सराई करना पड़ेगा मुझे सीढ़ियों से। बाप रे बाप, मैं तो अभी से हफ रहा हूँ। बाप रे, सुंदर है जगह, नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको ऊपर तक जाने के लिए। हाँ, अभी मैं उस तरह से नीचे से आ रहा हूँ और ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखिए पूरा पहाड़ है, जंगल, और उस तरफ से मैं आया और अभी जाना पड़ेगा इस तरफ से। तो मैं पहुंच चुका हूँ, तो ऊपर चढ़ के दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए और चढ़ के ये देखिए मंदिर, चलिए ऊपर जाके दिखाते हैं अच्छे से। तो ये है गणेश मंदिर। पहले हम गणेश मंदिर में दिया लगाएंगे, मंदिर का घंटा बजा लेते हैं। सब देखिए सब पत्थर में खोदित है। ये देखिए पत्थर में बना हुआ गणेश भगवान का मूर्ति। तो मैं थोड़ा दिया लगा लेता हूँ, लगा दिया है, अगरबत्ती भी लगा लिया, और ये भगवान के नाम पे, जय भगवान, जय गणेश भगवान। ठीक है, अभी चलते हैं दूसरे मंदिर पे। तो ये देखिए मेन मंदिर, सब ये पत्थर का है, पुराना मंदिर का एकदम, अभी टूट गया है सब कुछ, बिखरा पड़ा है। तो सब ये पत्थर का ही, तो हिस्टोरिकल प्लेस है पूरा। तो फिर ये पत्थर जो दिख रहे हैं ना,
तो इससे ऊपर सर के आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि मुझे देखिए, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, और आके 2 घंटी है यहाँ पे, बजा लिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पत्थरों के बीच है भगवान जी, तो पंडित जी ने बोला था कि उमालिंगम है, तो आप लोगों को पता है तो बदले में बोलिएगा, मुझे तो पता नहीं कौन सा भगवान है उमालिंगम, फिर भी भगवान जी तो भगवान जी है। तभी यहाँ पे दिया लगा लिया है, यह शिव पार्वती का मूर्ति देखिए उमालिंगम, और पंडित जी ये चंदन का टीका यहाँ पे पीस पीस के, वो है ओरिजिनल लाल चंदन, और चंदन से वो टीका पीस पीस के निकाल रहे हैं बेल के पट्टे में, बेल पट्टे तो बहुत ही मेहनती काम है। अच्छा, और ये देखिए टीका लगा दिया, जय शिव बाबा। तो चलिए थोड़ा दिखाते हैं आप लोगों को पूरा हिस्ट्री क्या है, मैं जानने का कोशिश करूंगा, अगर हो सके तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, तो देखने लायक बहुत खुश है शिव मंदिर के अंदर। और जय शिव बाबा। ये देखिए मंदिर का पिछला हिस्सा, लेकिन ये सब पूरा धीरे धीरे मतलब डिस्ट्रॉय हो रहा है। और ये देखिए कितना बढ़िया, क्या कलाकारी है, कितने हजार साल पुराना मूर्ति है यहाँ पे, एक शेर का आधा हिस्सा, ये भी शेर का आधा हिस्सा, किसने तोड़ा है इसको, मतलब ऐसे तो मतलब ऑनेस्टली बोलो तो मतलब भूकंप में तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एकदम पूरा 20 में से आधा कट गया होगा, किसी ने तो ये सब तोड़ा होगा। तो पंडित जी ने मुझे थोड़ा बहुत हिस्ट्री बताया है, लेकिन वो लोग भी मतलब श्योर नहीं है जो बोला है, मतलब इसका एक्चुअल इतिहास किसी को भी पता नहीं है,
तो ये सब मुझे बोलना सही है कि नहीं मुझे पता नहीं, तो देखते हैं आप लोगों से जितना हो सके मैं शेयर करने का कोशिश करूँगा। और ये देखिए ये पेड़, आप लोगों को पता है ये क्या पेड़ है? इसको छूने से ना मुरझा जाते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हो इस पेड़ को, इसका नाम बताइएगा। ये देखिए मुरझा जाएगा, देखा देखा, ये पूरा पेड़ मुरझा जाएगा, आप लोग देखिए क्या, देखा पूरा मुरझा गया। मतलब जितना भी दिखाओ उतना ही कम है, चारों तरफ पूरा बिखरा हुआ है पत्थर, जिसमें मतलब बहुत सारे मूर्ति खोदित है, बहुत सारे भगवान के मूर्ति, फूल, बहुत सारे जानवरों के मूर्ति। ये है हम लोग का स्त्री, तभी देखिए इस तरफ भी ऊपर बहुत कुछ दिखाने के लिए है, तो यहाँ इसलिए किसी को भी अंदर आने के लिए परमिशन नहीं देता, लेकिन मैं स्पेशल परमिशन लेके आया हूँ। ये देखिए मुझे चाबी थमा दिया है, तो ये कॉमेडी से मैं परमिशन लेके आया हूँ, तो ये ताला खोल के सब कुछ दिखा के फिर मुझे ताला बंद करके चाबी उन लोगों को देके जाना पड़ेगा। तो ये खोल दिया हम लोगों ने गेट, और ये देखिए क्या है, यहाँ भी है, और यहाँ पे भी शायद मंदिर था, वो सब देखिए। जितना भी दिखाओ मतलब कम ही है, बहुत सारा है। चलिए अगर आप आपको हिस्ट्री से लगाव है तो आप यहाँ पे आइएगा ज़रूर, ये सब देखने के लिए बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी मुझे एक्चुअली हिस्ट्री का इतना ज्ञान नहीं है, तो मैं तो इतना कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। अगर वीडियो देख के आपको कुछ भी मतलब पता चल रहा है, समझ रहे हो, तो आप लोग समझ लेना भाई, लेकिन मैं तो एन्जॉय कर रहा हूँ, बहुत बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। तो जितना भी दूर जाऊँ कम है, बहुत सारा है दिखाने के लिए। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन दिखाना भी लाजमी बनता है भाई, ये हम लोग का बहुत साल हज़ारों साल पुराना इतिहास है। तो शायद मुझे तो देखने के लिए मिल गया है, आपको कहीं मिले या ना मिले तो मेरे ही वीडियो के थ्रू आप देख लीजिए। कुछ भूल चूक हुआ है तो माफ़ कर दीजिएगा। तो बहुत कुछ है, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, क्या दिखाऊँ क्या ना दिखाऊँ मैं आप लोगों को, ये सबको तो म्यूज़ियम में भी नहीं रख सकते, इतना सारा है। अभी ये सब पत्थर के बीच, लेकिन सांप भी हो सकता है, तो सुना है यहाँ पे कोबरा सांप होता है, और कोबरा तो पता ही है आप लोगों को कितना जहरीला होता है भाई, तो डर इसी बात का है, पत्थर के बीच में कोबरा सांप रहता है। तो
थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए तो इतना रिस्क लेना बनता ही है। ये देखिए ना, वाओ कितना बढ़िया बना के रखा है। देखिए ये शायद मंदिर का वो ये होगा, पोस्ट होगा शायद, स्तंभ जो मेन पोस्ट। ये भी एक देखिए पोस्ट होगा शायद मंदिर का मेन। तो ये कैसे मतलब ये पोस्ट बना के ना, यहाँ पे गड्ढा है कुछ, देख सकते हैं ना शायद ये गड्ढों में कुछ पत्थर मतलब अटका के शायद एक के ऊपर एक खड़ा करके शायद मंदिर बनाते थे। क्या टेक्नोलॉजी है उस ज़माने का मुझे पता नहीं, लेकिन देख सकते हैं हर एक पत्थर में ये सब छोटा छोटा मतलब होल बना के रखा है, तो उसका तो कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ही ना। ये देख सकते हैं ना आप लोग, होल बना के रखा है, तो ऐसे ही तो होल नहीं बना होगा सर, उसमें मतलब फंसा के कुछ मतलब एक के ऊपर एक पत्थर रख के पूरा मंदिर बनाया होगा। अरे काटा ना, कितना काटा चुभ गया मेरे को, मैं बता भी नहीं सकता आप लोग को। अभी मेरे पैर में कम से कम 20 से 25 काटा चुभ गया है, छोटा छोटा, ठीक है। अभी चलना सही है यहाँ से, क्योंकि मैं अकेले हूँ, कोई भी एक भी बंदा नहीं है यहाँ पे, और सब बाप निकलेगा तो मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे दौड़ पाना भी मुश्किल होगा। तो चलिए चलते हैं। तो ये सब हिस्ट्री हम लोग को पता ही नहीं था, तो हम लोग असम में रह के हमको ही पता नहीं था। तो आप लोग अगर देख रहे हो मेरा चैनल मेरा वीडियो, तो आइएगा यहाँ पे देखने के लिए, हज़ारों साल का ये हिस्ट्री है। अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है, घूमने का शौक़ है, अगर आप आपको हिस्ट्री से लगाव है, तो प्लीज़ यहाँ पे आइए मदन कामदेव टेंपल। और ये सब हम लोगों का हज़ारों साल का पुराना जो हिस्ट्री है इंडिया का, वो देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो अभी एक्चुअली क्या है कि जो मंदिर है तो पता है डर लगता है। अच्छा अभी जो मंदिर है ना, उसका हिस्ट्री तो एक्चुअली किसी को भी पता नहीं है कितने, क्योंकि इतना साल पुराना है। और ये जो पत्थर है ना सब कुछ, एक्चुअली ये कैसे मिला आप लोगों को पता है? इसको मतलब मिट्टी के अंदर से खोट खोट के निकाला गया है, ठीक है। तो कुछ है पीछे आवाज़ आ रही है भाई, डर लगता है। और ये सब देखिए कितना बड़ा बड़ा बरगद का पेड़ है, बाप रे बाप, सूखा पट्टा गिर रहा है वो देखिए। हाँ तो मैंने पंडित जी से पूछा था वहाँ पे, एक्चुअली जो मेन मंदिर का मूर्ति है, तो वो पंडित जी ने बोला है कि वो शिव जी और पार्वती माता का है। एक्चुअली पार्वती माता और शिव जी यहाँ पे आए थे, और शिव जी पार्वती माता को मतलब जो हम लोगों का सृष्टि है, सृष्टि के बारे में पूरा बातें मतलब सब कुछ बता रहे थे, तो कैसे सृष्टि हुआ है जीवन का, ये सब कैसे मतलब पृथ्वी का सृष्टि हुआ है, सृष्टि और संहार करता भगवान शिव। तो वो अपनी पत्नी यहाँ पार्वती माँ से ये सब बोल रहे थे, तो पार्वती माँ उनके बगल पे मतलब सोके सुन रहा था ये सब बातें। और तभी एक चिड़िया आता है, चिड़िया मतलब ओल है ना, ओल वो बर्ड आता है, उसने सुन लिया ये सब बातें। तो भगवान शिव ने क्या किया, अपना त्रिशूल निकाल के उस चिड़िया के ओर मतलब अपना त्रिशूल छोड़ दिया, और लेकिन क्या हुआ, त्रिशूल उस बर्ड के शरीर पे लगा नहीं और वापस घूम के आ गया शिव जी के पास। तो शिव जी ने देखा, अरे त्रिशूल तो वापस नहीं आ सकता, मैंने जहाँ फेंका वहाँ लगना चाहिए, क्योंकि मेरा त्रिशूल कभी वापस आता नहीं, कभी मतलब मेरा निशाना तो अशुद्ध होता है। तो लेकिन देखा वो जो बर्ड है होल, तो उस पर मतलब एक मुनि जी थे, तो व्यास मुनि के नाक से घुस के मतलब अंदर चला गया वो होल, बोल रहे थे। तो अभी त्रिशूल व्यास मुनि को मतलब
ये नहीं कर सकता है, मतलब हमला नहीं कर सकता है। तो शिव जी ने बोला नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि मेरे त्रिशूल का बार ऐसे जाए। मतलब तब क्या किया, त्रिशूल वापस गया और ब्याज जी के पेट को फाड़ गए। मतलब ये हुआ, जो भगवान सुख है ना, सुख मुनि, तो सुख मुनि का मतलब पैदा हुआ ऐसे ही, तो बोल रहे थे। और यहाँ पे बोलता है कि पंडित जी ने बोला है मुझे, तो आपसे मैं बातें शेयर करना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही सुंदर है। और पंडित जी मुझे बोल रहे थे कि एक्चुअली इस मंदिर का नाम क्यों, मतलब ये हुआ है मदन कामदेव क्यों हुआ है। तो बोलते हैं कि जब मतलब सती देवी का जब देहांत हो गया है, तो ये सब अगर आपको मतलब हिस्ट्री से लगा हुए तो आपको पता होगा सती देवी के बारे में। तो शिव जी के मतलब अर्धांगिनी थे सती देवी। जब सती देवी का मतलब देहांत हो गया, तो शिव जी क्या किया, सती देवी का पूरा मतलब बॉडी लेके पूरा विश्व ब्रह्मांड को घूम रहे थे। तो उनका जो मतलब क्या है, हाँ यहाँ पे कुछ भी पार्ट गिरा नहीं, कामाख्या मंदिर में एक पार्ट गिरा है सती माँ का, और जहाँ जहाँ भी उनका शरीर का मतलब पार्ट गिरा है वहाँ वहाँ पे एक मतलब शक्तिपीठ मतलब एक माँ का मतलब टेंपल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो मतलब मदन कामदेव में कुछ गिरा नहीं माँ का, लेकिन क्या है, जब उनका मतलब पूरा बॉडी मतलब डिकम्पोज हो गया है, उसके बाद शिव जी क्या करते हैं, मतलब इस जगह पे आके मतलब ध्यान करते हैं, क्योंकि शिव जी बहुत ही मतलब परेशान थे, दुखी थे, तो उनके मन के शांति के लिए उन्होंने यहाँ पे आके ध्यान किया। तो अभी बात ऐसा हुआ कि देवलोक में मतलब इस बात का मतलब ये हलचल हो गया कि अगर शिव जी मतलब ध्यान पे बैठ जाएंगे इतने सालों तक, तो इस मतलब सृष्टि को कौन चलाएगा, क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए तो उनका ही जिम्मेदारी है, तो वही चलाते हैं सृष्टि, नहीं तो पूरा सृष्टि रुक जाएगा। तो क्या क्या, विष्णु भगवान का जो पुत्र है मदन, तो उन्होंने मदन देव को यहाँ पे भेज दिया शिव जी को मतलब ध्यान से उठाने के लिए। और शिव जी का जो ध्यान थे वो कोई भी मतलब तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, अभी मदन देव आके जब कोशिश कर रहे थे शिव जी को मतलब अपना ध्यान से उठाने के लिए, तब क्या क्या, शिव जी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से के मारे उन्होंने अपना तीसरी आँख खोल दिया। और जानते ही हैं शिव जी का तीसरी आँख खोलने से क्या होता है, तो मदन देव का वही मतलब लगे लग मतलब पूरा वो पूरा जल कर राख हो गया। ठीक है, मदन देव का जो मतलब अर्धांगिनी है उनका नाम है रोटी, रोटी देवी। और रोटी देवी थी एक मतलब ये सती था, उस जमाने में सती हुआ करते थे, और जो लोग सती है तो उन लोगों का मतलब सती का कभी भी मतलब ये नहीं हो सकता, सती का जो भी मतलब पति है उनका कभी भी ध्यान नहीं हो सकता है, क्योंकि सती जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो लोग बहुत ही भगवान को मानते हैं। वहाँ सती देवी आके क्या क्या, शिव जी के पैर पकड़ने लगे, आके पूरा भगवान को स्तुति किया, शिव जी को स्तुति करके भगवान को मनाया। तो उन्होंने बोला मैं तो सती हूँ, तो भगवान में कैसे विधवा हो सकता हूँ, तो आपको मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा। तो शिव जी ने क्या किया, अपने पावर से मतलब मदन जी को, मदन भगवान को फिर से जीवित कर दिया। लेकिन क्या हो के उनके शरीर पे मतलब जो जल गया था उसका मतलब कुछ एक उनके शरीर पे मतलब दाग रह गया। तो सती देवी ने बोला तो ये सब दाग क्यों है, मेरे को तो ऐसे पति नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पति के पास एक भी दाग नहीं था, तो आप मुझे ये कीजिएगा मेरे पति का जो दाग है उसको भी मिटा दीजिएगा। तो शिव जी ने बोला कि मैं मरे हो को जिंदा कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं रूप नहीं दे सकता हूँ, उसका जो रूप है वो कामाख्या माँ दे सकते। तो रति देवी ने फिर शिव जी से पूछा तो वो कामाख्या देवी अगर दे सकते तो वो क्या करना पड़ेगा, मुझे कामाख्या माँ कैसे मिलेगा। तो शिव जी ने बोला आप यहाँ पे 16 शिवलिंग का स्थापित करके आप अगर कामाख्या माँ का आराधना करोगे तो कामाख्या माँ अगर प्रसन्न हो जाएगा तो आपके पति का रूप जो है फिर से वो आपको लौटा के देगा। वैसे ही हुआ, रोटी देवी ने मतलब कामाख्या माँ की भी स्तुति किया, 16 शिवलिंग का यहाँ पे स्थापित किया है, फिर कामाख्या देवी को आराधना किया और कामाख्या माँ ने जो रति देवी का जो सुहाग था मदन भगवान, तो मदन देव को मतलब उनका रूप फिर से लौटा दिया। तो वो पहले से ही बहुत सुंदर हो गया और उनका नाम रखा गया है कामदेव। अभी मदन देव का नाम हो गया कामदेव, जब माँ कामाख्या ने उनको मतलब वरदान दिया, रूप जो है उनका लौटा दिया, अभी
मदन देव का नाम हो गया कामदेव, तो इसलिए इस मंदिर का नाम है मदन कामदेव मंदिर। ठीक है, तो कुल मिला के यही हिस्ट्री है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है एक सेल्फी से जैसे बात कर रहा हूँ ना मैं, कि लेकिन क्या करूँ, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ तो मुझे तो थोड़ा बहुत आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ना। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे मतलब आगे बढ़ूँगा। मैंने मेरे चैनल में तो बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, तो देखिए मेरा हिंदी भी इतना ठीक ठाक नहीं, मैं आप लोगों को बताने के लिए मेरा हिंदी जो है अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर रहा हूँ, मेरा तो लैंग्वेज भी आसाम है, तो आप लोगों के लिए तो कर रहा हूँ ना। तो फिर भी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और क्या बोलूँ मैं। ठीक है चलते हैं, अभी मैं सुपर व्यू मुझसे आप लोगों को दिखा रहा हूँ पूरा टेम्पल। तो ये तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं।